गुरुग्राम में बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने अपनी ही पार्टी के जयचंदों पर निशाना साधा। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि जिन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों को हराने का काम किया उन्हें पार्टी ने तुरंत माफ कर दिया। पार्टी के दायरे से बाहर होकर काम करने वाले ऐसे जयचंदों को कम से कम 6 साल के लिए निष्कासित करना चाहिए था, मगर अफसोस है ऐसा हुआ नहीं, उल्टा उन्हें पार्टी की तरफ से इनाम दिया गया। इतना ही नहीं, राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में उनकी बेटी आरती राव को रेवाड़ी से टिकट नहीं मिली, आरती की जगह सुनील मूसेपुर को टिकट दी गई, फिर भी उन्होंने बीजेपी की जीत के लिए भरसक प्रयास किए। सुनील मूसेपुर की हार उनकी वजह से नहीं बल्कि पार्टी के जयचंदों की वजह से हुई है। इलेक्शन लड़े थे, भरसक प्रयास किया। अब पार्टी ने आरती को टिकट नहीं दिया, इनको टिकट दिया, लेकिन हमारे सभी साथियों ने, इंसाफ मंच के सभी साथियों ने इनका मदद करने का मन बना करके कोशिश करी। और ये प्रधान जी खड़े हुए हैं, इनको भी पता है कि ये हार हमारे साथियों की वजह से इतनी नहीं हुई जितनी बीजेपी के अंदर जयचंद लोगों ने उन्होंने हमारी करवा दी। और कई बार मैं ये सोचता हूँ कि इलेक्शन हारो जीतो ये तो जनता के हाथ की बात आती है, लेकिन जिसने पार्टी के दायरे से बाहर जाकर के कुछ काम किया हो उसका संज्ञान तो पार्टी को लेकर ही कम से कम 6 साल तक तो रखना चाहिए सहन में। या तो इलेक्शन हमारा कैंडिडेट हार गया, जिन लोगों ने पार्टी के विषय के अंदर कुछ अफरा तफरी करी थी उन लोगों को तुरंत माफ कर दिया गया। बहुत बड़ा बयान सांसद महोदय ने दिया।